तो है गाइस, फाइनल इंडियन भाई 3D गेम के अंदर न्यू मोड को ऐड कर लिया हूँ, जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आप भी अगर इंडियन भाई 3D गेम के अंदर न्यू मोड को ऐड करना चाहते हो तो आप सभी को कैसे ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली बहुत सारा बंदे अभी भी गेम के अंदर न्यू मोड जो ऐड हुआ इन सभी मोड ऐड नहीं कर पा रहा है। तो आज के ये वीडियो में आप सभी को बहुत ईजी तरीके से पता चल जाएगा, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखते रहना। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आ चुके हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और आप अगर सब्सक्राइब करके रखे हो तो ये वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले आप अगर इंडियन भाई 3D गेम के अंदर यहाँ पर जो न्यू मोड ऐड हुआ इन सभी मोड अगर ऐड नहीं कर पा रहे हो तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को इंडियन भाई 3D गेम को एक न्यू अपडेट दे लेना है। आप सभी को यहाँ पर न्यू अपडेट का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को इंडियन भाई 3D गेम को एक न्यू अपडेट देना है। उसका साथ साथ आप सभी को यहाँ पर जो न्यू एप्लीकेशन आया है तो न्यू एप्लीकेशन के भी आप सभी को यहाँ पर एक न्यू अपडेट देना है। तो उसका भी लिंक आप सभी को मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग ये दोनों एप्लीकेशन को न्यू अपडेट दे लोगे, सबसे पहले इंडियन बाइक 3D गेम को, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लगिंग एप्स आया है प्लगिंग एप्स को जैसे अपडेट कर लोगे, अपडेट करने के बाद आप सभी का गेम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो प्लगिंग एप्स है प्लगिंग एप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सभी का गेम के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर तीन आप सभी को यहाँ पर मोड देखने को मिल जा रहा है, RGS फाइल। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से RGS फाइल यहाँ पर जो तीन फाइल देखने को मिल जा रहा है, तो ये तीनों फाइल में आप सभी अगर कोई भी न्यू फाइल ऐड करना चाहते हो गेम के अंदर तो आप सभी को बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। तो आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर जो भी फाइल चाहिए वो फाइल को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप सभी को यहाँ पर बहुत इजी तरीके से गेम को ओपन करना है। और जैसे गेम को ओपन करोगे, ओपन करने से पहले आप सभी को क्या करना है आप सभी को मैं बता देता हूँ। गेम को ओपन करने से पहले आप सभी का मोबाइल का डेटा को ऑन रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर मोबाइल का डेटा ऑन नहीं रखोगे तो आप सभी का गेम के अंदर जो न्यू मोड ऐड हुआ है ये न्यू मोड ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी का मोबाइल का डेटा को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत इजी तरीके से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा होगा आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है न्यू फाइल। तो जो फाइल को आप लोगों ने यहाँ पर प्लगइन एप्स से कॉपी किया था तो वो फाइल को आप लोगों को बहुत इजी तरीके से यहाँ पर आप लोग जैसे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और आप लोगों का गेम के अंदर जैसे यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5 मिनट लेट, मतलब आप लोगों को गेम के अंदर 5 मिनट वेट करना है। और 5 मिनट जैसे वेट कर लोगे आप सभी का गेम के अंदर मोड ऐड हो जाएगा, और न्यू मोड ऐड होने के बाद आप सभी का कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों मोड को ऐड कर लिया हूँ तो आप सभी को देखने को मिल जा रहा है। तो आप अगर अभी भी गेम के अंदर न्यू फाइल को ऐड नहीं किए हो तो आप सभी को कैसे ऐड करना है बहुत ही इसी तरीके से बता दिया। और साथ ही साथ आप अगर इंडियन भाई 3D गेम के अंदर कोई भी न्यू अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडियन भाई 3D गेम के अंदर जैसे कोई भी न्यू अपडेट आता है आप सभी को सबसे पहले वीडियो बना के दे देता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।